कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू फिशर टीवी व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक ये है कि कौन से पाकिस्तान के बैंक बेस्ट हैं फ्रीलांसर के लिए, जिनके ज़रिए से वो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट से। वीडियो की जानब जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आप इन कोविड 19 के इस दौर में बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन वर्क के ऊपर चले गए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो स्किल सीखने के बाद जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनको आ रही है वो ये है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पे वो काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, वहाँ से वो जो उन्होंने अर्न मनी की हुई है उनको अपने अकाउंट में, पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें और कैसे उनको वो यूज़ करें। ये मसला बहुत बड़ा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान में पेपाल एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता, इस वजह से ये बहुत बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पेपाल काम कर रहा है, और हर बड़ी वेबसाइट जो है वो पेपाल को एक्सेप्ट करती है, और लोग जितनी भी मनी ऑनलाइन कमाते हैं इन वेबसाइट से वो पेपाल में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके पेपाल के बाद वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह से वो अपनी मनी ट्रांसफ़र करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पाकिस्तानी बैंक बताऊंगा जो कि फ्रीलांसर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो इनमें अपना अकाउंट खुलवाएं तो वो ऑनलाइन वेबसाइट से अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वेबसाइट्स की जानिब। तो व्यूअर, सबसे पहली जो वेबसाइट है, जो बैंक है, वो है JS बैंक। JS बैंक जो है वो फ्री लांसर के लिए एक करंट अकाउंट जो है वो ऑफ़र कर रहा है। आप देख भी सकते हैं कि JS बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है JS फ्री लांसर अकाउंट। JS फ्री लांसर करंट अकाउंट जो है वो बनाया ही उन्होंने इसीलिए है कि आप जो है इसको अपनी जो वेबसाइट से आप अर्निंग करते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसके साथ आप लिंक कर लें, और लिंक करने के बाद आप इसमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जो है इस अकाउंट को ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और आप अपना अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे ने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि जब आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो आपने बैंक में ले जाने हैं। ये बहुत ही कम है, ये सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 इन्वाइसेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस और अ वैलिड CNIC। ये 3 चीज़ें आपने लेके जानी है और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो ये फ्री लांसर के लिए सबसे बेस्ट है, और इसको मैंने इसीलिए नंबर 1 पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें वो बता रहे हैं कि आप जो है वो 1 लिंक स्विच फ्री व्यूअर इस्तेमाल कर सकते हैं, ई पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी सहूलियात JS बैंक दे रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट इन्होंने फ्री लांसर के लिए बनाया है, तो इसलिए आप इसमें ज़रूर अकाउंट खुलवाएं और आपका जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का जो इन वेबसाइट से मसला है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा। व्यूअर, दूसरे नंबर पे है UBL। UBL में भी आप करंट अकाउंट खुलवाकर जो है ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। UBL मास्टर कार्ड की ऑप्शन देता है, मास्टर कार्ड आपको देता है, और उसके ज़रिए आप वेबसाइट से, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने एज अ फ्री लांसर मनी अर्न की है, वहाँ से मनी आप UBL के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UBL बैंक अकाउंट जो है उसके भी कोई मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं हैं, और इसका मास्टर कार्ड जो है आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी शॉपिंग के लिए भी आप इनका मास्टर कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अकाउंट भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके आप अपना करंट अकाउंट UBL में खुलवा सकते हैं, और इसको आप अपने लिए जो आपने एज अ फ्री लांसर जिस भी प्लेटफॉर्म से मनी अर्न की है वो आप अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 3 पर है बैंकलफ्ला। बैंकलफ्ला में अगर आप अकाउंट खुलाएं तो ये भी बहुत अच्छा है, और आप इससे भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
लेकिन बैंकल फ्ला का थोड़ा सा प्रोसीजर लॉन्ग है, इसमें मनी वेरिफिकेशन के लिए कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। लेकिन आप इसमें भी अकाउंट ओपन करने के बाद जो है वो अपने मनी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से मनी अर्न की है तो आप उसको बैंकल फ्ला का बैंक इस्तेमाल करते हुए इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकल फ्ला भी जो है वो मास्टर कार्ड ऑफ़र करता है, आप उसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और टॉपिक ये था कि कौन से बैंक बेस्ट हैं फ्रीलांसर के लिए, जिस और वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।